हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी फर्स्ट पेपर लोअर नॉन कॉर्डेट से एक टॉपिक है, फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करता है साइकोन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं सबसे पहले हम ये जो फाइलम पोरीफेरा है इसके कुछ जनरल कैरेक्टर को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस वर्ड को देखते हैं, जो ये फाइलम पोरीफेरा वर्ड है। पोरीफेरा वर्ड क्या दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पोरी एक वर्ड जो है, ये पोरोस वर्ड से बना हुआ है, और ये फेरा वर्ड फेरी। पोरीफेरा वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पोरोस एंड फेरी। पोरोस का मतलब होता है पोरोस का मतलब होता है पोर, एंड फेरी मीन्स टू बियरिंग, मतलब इस फाइलम में जो भी मेंबर हैं, जो भी एनिमल्स हैं, उनकी पूरी बॉडी सरफेस पे टाइनी पोर्स पाए जाएंगे। पोर्स बियरिंग मतलब इस फाइलम में जितने भी मेंबर आएंगे, जैसे साइकोन आपको पढ़ना है बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो उसके पूरी बॉडी सरफेस से मैनी पोर्स पाए जाएंगे, जिसको हम ऑस्टिया कहते हैं। तो साइकोन के बारे में पढ़ने से पहले हम इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक यहाँ लिखा हुआ है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, जो फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करेंगे वो एक्वाटिक होंगे, ठीक है। एक्वाटिक ए फ्यू फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, और मोस्टली आपको मेराइन वाटर में मिलेंगे, मोस्टली मेराइन वाटर, ठीक है। ए फ्यू फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, मोस्टली मेराइन वाटर में पाए जाएंगे। इसकी अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें, साइकोन में। फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करने वाले जितने भी एनिमल्स होंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा इनकी बॉडी का। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मल्टी सेलुलर होगा विद सेलुलर लेवल। मल्टी सेलुलर सेल तो होंगे, बट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल पे ही होगा। मतलब मल्टी सेलुलर होने से टिश्यू बनता है, लेकिन इसमें टिश्यू नहीं बनता। तो विद सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर तो हैं, मल्टी सेल कई सारे सेल हैं, लेकिन इसका जो बॉडी का लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, वो सेलुलर लेवल पे ही होगा, ठीक है, सेलुलर लेवल पे ही होगा। देखिए लिखा हुआ है नो टिश्यू, तो इनमें कोई टिश्यू नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगला हम टॉपिक अगला देखते हैं, ये सॉलिटरी होंगे, सॉलिटरी और कॉलोनियल। सॉलिटरी कहने का ये मतलब है कि ये अकेले पाए जाएंगे, अकेले होंगे, और कॉलोनियल मीन्स कई सारे एक साथ रहते हैं। ऑल सेसाइल, ऑल सेसाइल कहने का ये मतलब है कि ये स्थानबद्ध होंगे, मतलब एक जगह पे ही रहेंगे, ये मूव नहीं कर सकते हैं, इनमें कोई लोकोमोशन नहीं होता है। तो ये ऑल सेसाइल, जितने भी इस फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करेंगे वो सेसाइल होंगे, सॉलिटरी होंगे, कॉलोनियल होंगे, और सेसाइल होते हैं। सॉलिटरी मतलब अकेला रहना, कॉलोनी झुंड में रहना, ठीक है। तो ये आप जब रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये सॉलिटरी कैसे होते हैं और कॉलोनियल कैसे होते हैं। बॉडी वॉल, जो इस फाइलम में मेंबर आते हैं उनकी बॉडी वॉल की अगर हम बात करते हैं, तो बॉडी वॉल विद आउटर पिनेकोडर्म, जो आउटर सेल होगा उसको हम
पिनाकोडर्म कहेंगे, एंड इनर सेल जो होगा, जो इनर होगा उसको हम कोइनोडर्म कहेंगे। पिनाकोडर्म एंड कोइनोडर्म, पिनाकोडर्म कहने का यह मतलब है कि ये पिनाकोसाइट सेल से बने होंगे जो आउटर लेयर होंगे, इनर लेयर कोइनोडर्म जो अंदर की सेल होंगे यानी कोइनोसाइट सेल, एंड जिलेटिनस नॉन सेलुलर। और इन दोनों के बीच, पिनाकोडर्म एंड कोइनोडर्म के बीच जिलेटिनस नॉन सेलुलर, जो वो सेलुलर सेल नहीं होगा, नॉन सेलुलर मीजेनकाइम, इन बिटवीन, मतलब पिनाकोडर्म एंड कोइनोडर्म के बीच में नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर एक पाया जाएगा जिसको हम कहेंगे मीजेनकाइम या मीजोहाइल। इन बिटवीन लिखा हुआ तो इन दोनों के बीच में मीजेनकाइम, मीजेनकाइम कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल एलिमेंट्स एंड फ्री अमीबियोसाइट सेल। मीजेनकाइम में आपको क्या मिलेगा, इसका स्केलेटल मिलेगा, स्केलेटल जो एलिमेंट्स है वो मिलेंगे और अमीबॉइड सेल होंगे। अमीबॉइड सेल का क्या फंक्शन है इसमें, कि ये जो भी डाइजेस्टिव फूड होंगे उसको पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी की सेल तक ले जाने का काम करेगा। सेल लूजली एंड डू नॉट फॉर्म डिफिनिट लेयर, सेल जो होगा वो लूजली अटैच होगा, ठीक है, सेल जो है लूजली अटैच होगा एंड डू नॉट फॉर्म डिफिनिट लेयर, कोई लेयर नहीं बनाएगा। बॉडी विथ मैनी पोर, देखिए ये डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पर, ये डायग्राम तो ये साइकोन का बना हुआ डायग्राम है जो आपको बीएससी में पढ़ना होता है, बीएससी पार्ट वन में आपको ये फाइलम पोरीफेरा से इसको पढ़ना होगा। ये साइकोन की बॉडी है जो देखिए इस पे बॉडी पे पूरी सरफेस पे मैनी पोर्स पाए जा रहे हैं। ये पोर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये मैनी पोर्स हैं। तो इस पोर को हम बोलेंगे ऑस्टिया, ऑस्टिया, और इस पोर को हम बोलेंगे ऑस्कुलम, ठीक है। मैनीपोर ऑस्टिया कैनाल एंड चैम्बर दैट सर्व फ्रॉम द फ्लो ऑफ वाटर, एक कैनाल सिस्टम इसमें पाया जाएगा जो फ्लो ऑफ वाटर, वाटर का फ्लो कैसे होता है ये इसमें अभी आप आगे देखेंगे कि इसका जब कैनाल सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें आप देखना। वाटर एग्जिट फ्रॉम ऑस्कुलम, वाटर जब एग्जिट करेगा तो कहाँ से करेगा, ये ऑस्कुलम के थ्रू करेगा, ऑस्टिया के थ्रू इंटर किया वाटर, एक कैनाल सिस्टम होता है, उस कैनाल सिस्टम से होता हुआ स्पॉन्जोसील में आया, स्पॉन्जोसील से ये ऑस्कुलम के थ्रू वाटर एग्जिट कर जाता है, ठीक है। डाइजेशन इसमें इंट्रासेलुलर होगा, इसमें जो डाइजेशन होगा वो इंट्रासेलुलर होगा, नो रिस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसमें कोई भी रिस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। डाइजेशन जो हो रहा है वो इंट्रासेलुलर हो रहा है, किसके थ्रू होगा, कोइनोसाइट सेल के थ्रू होगा, ठीक है। तो ये ऑल स्पॉन्जेस जो होते हैं, तो ऑल स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन। हर्माफ्रोडाइट कहने का ये मतलब है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो बनते हैं एक इंडिविजुअल, सेम इंडिविजुअल में ही बनेंगे, मतलब एक साइकोन की बॉडी में मेल गैमेट्स भी बनेगा और फीमेल गैमेट्स भी बनेगा, जिसको हम हर्माफ्रोडाइट टर्म देते हैं, हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल भी कहेंगे कि एक ही बॉडी, जो साइकोन की एक बॉडी है इसमें मेल गैमेट्स भी बनेंगे और फीमेल गैमेट्स भी बनेंगे, तो ये हर्माफ्रोडाइट कहलाता है या बाइसेक्सुअल कहलाएगा। रिप्रोडक्शन, अगर जनरल कैरेक्टर में हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय बडिंग के थ्रू और गैम्यूल फॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवम एंड स्पर्म के थ्रू होगा, ठीक है।
और देखिए स्पॉन्ज जो है साइकोन जो है, इसकी स्टडी को हम स्पॉन्जियोलॉजी कहेंगे, स्पॉन्जियोलॉजी। तो चलिए हम साइकोन के बारे में पढ़ते हैं। अभी फाइलम पोरीफेरा के कैरेक्टर के बारे में पढ़े हैं, अब साइकोन के बारे में पढ़ते हैं। साइकोन ये बीएससी फर्स्ट ईयर में आपका एक टॉपिक भी है ना, आपको पढ़ना होता है। देखिए फाइलम क्या है, पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा, क्लास कैलकेरिया, क्लास जो है कैलकेरिया, ऑर्डर हेट्रोसिला, हेट्रोसिला ठीक है, फैमिली सिस्टिडी, और जीनस साइकोन या स्काइफा। तो साइकोन के बारे में आगे हम पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है साइकोन इज कॉमनली नोन एज अर्न स्पॉन्ज। देखिए अर्न स्पॉन्ज, इसको हम अर्न स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं, मतलब ये कलश की आकार का दिखता है। अगर इसको हम देखते हैं ये बॉडी इसकी साइकोन की, तो ये कलश की तरह दिखता है, तो इसको हम अर्न स्पॉन्ज भी कहते हैं। बिकॉज द इंडिविजुअल इज लाइक एन अर्न शेप, मतलब ये अर्न शेप में दिखता है ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज क्राउन स्पॉन्ज बिकॉज, इसके अलावा हम क्राउन स्पॉन्ज भी इसको कहते हैं, क्राउन स्पॉन्ज बिकॉज, क्योंकि द ब्रिंग्स ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट स्पिक्यूल। क्राउन स्पॉन्ज इसलिए कहते हैं कि इस पे लॉन्ग एंड स्ट्रेट स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं इसके टॉप पर ठीक है, इसकी बॉडी के टॉप पर लॉन्ग एंड स्ट्रेट स्पिक्यूल्स पाए जाएंगे। स्पिक्यूल एट द टॉप लुक लाइक ए क्राउन, तो उसके टॉप पर लॉन्ग एंड स्ट्रेट स्पिक्यूल्स होते हैं जो स्केलेटन का वर्क करते हैं, तो ये किसकी तरह, क्राउन की तरह दिखते हैं, इसीलिए हम इसको क्राउन स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं एंड अर्न स्पॉन्ज के भी नाम से जानते हैं। चलिए हम इसकी हैबिटेट को देखते हैं, इसकी हैबिटेट को देखते हैं। देखिए साइकोन इज ए मेराइन स्पॉन्ज, साइकोन जो होता है ये मेराइन स्पॉन्ज होगा ठीक है। इट इज यूजुअली सॉलिटरी, जनरल कैरेक्टर में आपने पढ़ा था सॉलिटरी मतलब अकेला रहना ठीक है, अकेला रहना पसंद करेंगे, और फॉर्म कॉलोनियल, कॉलोनी बनाकर भी रहेंगे। इट इज फाउंड अटैच्ड टू द सबमर्ज्ड रॉक इन द सी वाटर। ये क्या, कहाँ सेसाइल होते हैं, यहाँ लिख लीजिए आप, सेसाइल। देखिए ये सबस्ट्रेटम आपको दिख रहा है ना, ये तो ये किसी भी रॉक से, किसी भी बेस से, ये इसका एक बेस होता है उससे ये अटैच होते हैं और सेसाइल होते हैं, मतलब ये मूव नहीं कर सकते हैं ठीक है, ये मूव नहीं कर सकते हैं। समझ रॉक इन द सी, हो इन द सी, सी में ये एक जगह टिके रहते हैं, एक जगह रहते हैं। अगर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, देखते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में क्या लिखा हुआ है। साइकन पॉजेस ए वेज शेप्ड एंड हैज ए रेडियल सिमेट्री, इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक कलर बट वेरियस फ्रॉम ग्रे टू लाइट ब्राउन ठीक है, ग्रे टू लाइट ब्राउन। तो इसका कलर जो होगा इसकी बॉडी का साइकोन की, वो ग्रे भी हो सकता है और लाइट ब्राउन, ज़्यादातर लाइट ब्राउन में मिलेगा, ब्राउन कलर में मिलेगा। फ्री एंड बियर्स फॉर कॉल्ड ऑस्कुलम, जो इसका फ्री एंड है जिससे वाटर एग्जिट होता है, ये उसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। विच इज फ्रिंग्ड विथ लॉन्ग स्ट्रेट नीडल लाइक स्पिक्यूल, अभी बताया था यहाँ पर कि स्ट्रेट लॉन्ग एंड स्ट्रेट स्पिक्यूल इसके टॉप पर पाए जाएंगे ऑस्कुलम पे ठीक है, वही लिखा हुआ है। द बॉडी बियर्स माइन्यूट पोर, इसकी बॉडी, पूरी बॉडी सरफेस पे माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑस्टिया, ऑस्टिया कहते हैं।
ऑस्टिया से वाटर इंटर करेगा, ठीक है, स्पॉन्जोसील में पहुंचा और वाटर फिर एग्जिट करेगा कहाँ से, ऑस्कुलम के थ्रू। ये साइकोन की एक बॉडी है ना, तो जो आउटर लेयर है इसकी, जो आउटर लेयर है यहाँ से आप ये इतना पोर्शन देखोगे खाली आप, ठीक है, ये इतना पोर्शन देखो, जो आउटर लेयर है ये पिनेकोडर्म कहलाती है, पिनेकोडर्म, ठीक है, ये आउटर जो सेल है इसको हम पिनेकोडर्म कहेंगे, अंदर की जो ये लेयर है इसको हम कोइनोडर्म, ये कोइनोसाइट सेल से मिलकर बना हुआ है, बीच का जो, इन दोनों के बीच जो है ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलेंगे मीजोहाइल, ठीक है। तो इसकी बॉडी तो मल्टी सेलुलर है बट इसमें कोई टिश्यू नहीं बन रहा, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बॉडी का जो लेवल है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल होगी। तो जो वाटर इस, ये मैनी पोर्स हैं, बहुत पोर्स इसकी बॉडी पे पाए जाते हैं, तो वाटर जो आउटसाइड ऑफ वाटर, वाटर है, वाटर प्रेजेंट है पूरा, तो इस पोर से, इसकी बॉडी की पोर से वाटर इंटर करता है, तो एक पूरे सेल से इंटर करता है, जो एक सेल है, जैसे मान लो ये मैं बना एक सेल नॉर्मली बना देता हूँ, तो वाटर इसकी पूरी एक सेल से ही इंटर कर रहा है, ठीक है, एक सेल से। तो एक कैनाल सिस्टम बनता है कि वाटर ऑस्टिया से होकर स्पॉन्जोसील तक पहुँच कर, ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील में पहुंचा, स्पॉन्जोसील से होता हुआ ये ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल गया वाटर, तो एक कैनाल सिस्टम होता है। तो कैनाल सिस्टम अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, तब देखना। तो ये अब एक सेल से ही पूरा वाटर अंदर की तरफ जाता है, तो ये आउटर लेयर पिनेकोडर्म, जो पिनेकोसाइट सेल से मिलकर बने हैं, इनर जो कॉलर सेल हैं, कोलार सेल्स हैं, ये कोइनोडर्म, बीच का जो नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है उसको मीजोहाइल कहेंगे, ठीक है। इसी में आपको स्पिक्यूल्स मिलेंगे, स्पिक्यूल्स, अमीबोसाइट सेल, ठीक है, अमीबोसाइट सेल, ये पूरा कोलार सेल है ना, यहाँ पे सेल ही सेल है पूरे से, वैसे करके पूरी बॉडी पे। अब हम देखते हैं इसका कैनाल सिस्टम, ठीक है, कि साइकोन की बॉडी का जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक कैनाल सिस्टम जिससे वाटर जो है इंटर करता है बॉडी में और बॉडी से बाहर निकलता है, उसको देखते हैं। तो एक कैनाल सिस्टम लिखा हुआ है, द बॉडी ऑफ साइकोन इज ऑर्गेनाइज इन सच ए मैनर एज टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है,
साइकॉन की बॉडी क्या ऑर्गेनाइज करता है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑर्गेनाइज करता है ऑफ पोर एंड कैनाल, जिसको हम कैनाल सिस्टम कहते हैं। दिस इज जनरली कॉल्ड कैनाल सिस्टम। द बॉडी वॉल हैव इसेंशियली कोइनोडर्म एंड पिनाकोडर्म वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कैनाल सिस्टम। तो कोइनोडर्म एंड पिनाकोडर्म से होता, मतलब इन दोनों से मिलकर एक सिस्टम बनता है इस सेल से। तो वेरियस कंपोनेंट्स हैं कैनाल सिस्टम में, जैसे ये लिखा हुआ, पहला ऑस्टिया, ऑस्टिया होगा, जो ऑस्टिया क्या है, इसकी बॉडी का, बॉडी के मैनी पोर्स हैं, जो बॉडी के ऊपर जो पोर्स पाए जा रहे हैं उसकी पूरी सरफेस पे, वो ऑस्टिया। फिर इसमें जो कैनाल सिस्टम, इसमें इनकरेंट कैनाल होगा, प्रोसोफाइल है, रेडियल कैनाल, एपोपाइल्स, स्पॉन्जोसील एंड ऑस्कुलम। तो ये कैनाल सिस्टम के पार्ट्स हैं कि कैसे कैनाल सिस्टम में, जो एक कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम है, जो वाटर ऑस्टिया से इंटर कर रहा है, स्पॉन्जोसील में पहुँच कर ये ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर निकल जा रहा है। तो वो देखते हैं, जैसे कैनाल सिस्टम का डायग्राम बनाया हुआ मैंने, तो देखिए क्या क्या होता है। यहाँ देखिए एक फ्लो चार्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि ऑस्टिया, जैसे ऑस्टिया क्या चीज़ है। ऑस्टिया जो स्मॉल पोर्स हैं पूरी एंटायर बॉडी सरफेस, ऑस्टिया आर स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन द एंटायर बॉडी सरफेस, दिस ऑस्टिया अलाउ इनकमिंग वाटर फ्रॉम आउटसाइड ऑस्टिया। ठीक है, ये अलाउ क्या करता है, वाटर को अलाउ करता है अंदर आने के लिए। तो ये जो आउटसाइड वाटर है, ठीक है, तो वाटर फ्रॉम आउटसाइड ऑस्टिया कैन रिड्यूस इन डायमीटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मायोसाइट सेल। मायोसाइट सेल होते हैं, जो ऑस्टिया में सेल्स होते हैं उसका नाम मायोसाइट सेल है, वो कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल कहने का मतलब ये मतलब है कि ये कॉन्ट्रेक्शन हो सकते हैं, फैल सकते हैं, तो उसमें से वाटर इंटर कर जाता है। इन करेंट कैनाल क्या है, सेकंड इन करेंट कैनाल, ये कैनाल जो है ये फोल्डेड होता है। ठीक है, दीज कैनाल आर इन्वेजिनेटेड फोल्ड ऑफ बॉडी वॉल एंड आर कॉल्ड एज इनहेलन कैनाल। इन करेंट कैनाल कम्युनिकेट आउटसाइड फ्रॉम द आउटसाइड थ्रू ऑस्टिया पिनाकोसाइट लाइन दीज कैनाल। तो इस फ्लो चार्ट से हम समझते हैं, वाटर फ्रॉम आउटसाइड, वाटर अभी साइकॉन की बॉडी के बाहर है। ठीक है, वाटर जो है अभी साइकॉन की बॉडी के बाहर है। ठीक है, वाटर फ्रॉम आउटसाइड, वाटर पहले कहाँ पहुँचेगा, इन करेंट कैनाल में। इन करेंट कैनाल में पहुँचेगा किसके थ्रू, थ्रू ऑस्टियम। यहाँ लिखना है हमको ऑस्टिया, ऑस्टिया। वाटर बाहर था, इंटर किया इन करेंट कैनाल में किसके थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू, जो इसकी बॉडी पे मैनी पोर्स प्रेजेंट है, जिसका नाम ऑस्टिया। ठीक है, उससे इन करेंट कैनाल में वाटर इंटर कर गया। अब इस डायग्राम में आप देखो, इन करेंट कैनाल ये है यहाँ पर, तो ये पोर है। ठीक है, ये लिखा हुआ ऑस्टिया, यहाँ लिखा हुआ ना, ये पोर, यहाँ से वाटर इंटर किया, कहाँ पहुँचा ये वाटर, इन करेंट कैनाल में। ठीक है, इन करेंट कैनाल में वाटर पहुँच गया। वाटर इन करेंट कैनाल से कहाँ पहुँचेगा, रेडियल कैनाल, किसके थ्रू, प्रोसोफाइल। ठीक है, इन करेंट कैनाल में पहुँच गया, देखिए रेडियल कैनाल यहाँ लिखा हुआ ना, इन करेंट कैनाल पहुँच गया। अब इसमें यहाँ से इन करेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में पहुँचने के लिए किसके थ्रू पहुँचेगा, प्रोसोफाइल। तो इस लाइन को हम, जो ये लाइन है ये, इसको बोलेंगे प्रोसोफाइल, प्रोसोफाइल। ठीक है, प्रोसोफाइल, प्रोसोफाइल इन करेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में पहुँचने के लिए किसके थ्रू पहुँचा, प्रोसोफाइल के थ्रू, ये इंटर कर गया इसमें रेडियल कैनाल में। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ रेडियल कैनाल। ठीक है, अब रेडियल कैनाल से पहुँचेगा स्पॉन्जोसील में, ये देखो लिखा हुआ ना स्पॉन्जोसील। रेडियल कैनाल से स्पॉन्जोसील में वाटर पहुँचा किसके थ्रू, एपोपाइल्स। अब देखो इसमें पहुँच गया रेडियल कैनाल, अब यहाँ से ये यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, स्पॉन्जोसील में,
ठीक है, यहाँ से वाटर रेडियल कैनाल से स्पॉन्जोसील में किसके थ्रू पहुँचा, एपोपाय। तो इस रीजन को हम बोलेंगे, ये जो रीजन है ये, इसको बोलेंगे एपोपाइस, ठीक है, एपोपाइस स्पॉन्जोसील में पहुँच गया, जो इसकी बॉडी की कैविटी है, साइकोन जैसे ये बना रहे हैं। तो ये जो है, ये कैविटी जो है, ये कैविटी जो है, ये स्पॉन्जोसील कहलाती है। वाटर इंटर किया ऑस्टिया से आउटसाइड, इनकरेंट कैनाल, रेडियल कैनाल, स्पॉन्जोसील। तो ये लाइन जो है, ये आपको इतनी जो लाइन दिख रही है, यही एक सिस्टम है, कैनाल सिस्टम है। तो यहाँ से स्पॉन्जोसील में पहुँच चुका वाटर, स्पॉन्जोसील में वाटर इंटर कर गया। अब वाटर कहाँ होगा, आउटसाइड होगा, किसके थ्रू, ऑस्कुलम के थ्रू। वाटर स्पॉन्जोसील से आउटसाइड बाहर की ओर निकलेगा, ये किसके थ्रू, ऑस्कुलम के थ्रू। तो इस फ्लो चार्ट से ही आप समझ जाओगे कि इसका कैनाल सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। वाटर फ्रॉम आउटसाइड, वाटर इनकरेंट कैनाल में पहुंच गया, किसके थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू। देन उसके बाद इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल, किसके थ्रू, प्रोसोफाइल। रेडियल कैनाल से स्पॉन्जोसील, किसके थ्रू, एपोपाइस। स्पॉन्जोसील से आउटसाइड बाहर निकल गया, ऑस्कुलम। तो क्या होता है कि जो वाटर के साथ जो भी फूड पार्टिकल्स आते हैं, जो इससे होते हुए निकलते हैं, तो जो ये बाहर अंदर की सेल, जैसे मैंने यहाँ लिखा होगा एक्सोपिनाकोडर्म, कोइनोडर्म, कोइनोडर्म की जो सेल होगी, ठीक है, जब यहाँ से रेडियल कैनाल से जब ये निकलेगा स्पॉन्जोसील के लिए, तो स्पॉन्जोसील और रेडियल कैनाल की जो लाइनिंग है वो कॉलर सेल से प्रेजेंट है, कॉलर सेल से होंगे। तो जो वाटर के साथ जो भी फूड पार्टिकल्स आए हैं, तो ये कॉलर सेल पे चिपक जाते हैं, ठीक है, जो फूड पार्टिकल्स हैं वहाँ से चिपक कर इसके सेल के अंदर जो फूड वैक्यूल्स हैं इसमें डाइजेस्ट होकर फिर मीजन, जो ये मीजन काइम है, देखिए यहाँ से फूड पार्टिकल्स जो थे इसके सेल पर चिपक गए, इसकी फ्लैजिला पर, ठीक है, इसके फ्लैजिला पर चिपक गए। फिर उसके बाद से जो फूड था इसकी बॉडी में गया, वो फूड वैक्यूल से डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होकर मीजन का, ये एरिया आपको मीजन का है, ठीक है, मीजन का है, ठीक है, मीजोहाइल या मीजन काइम कह लो आप, ठीक है। तो मीजन काइम में क्या प्रेजेंट था, आपको बताया था मैंने, अमीबॉइड सेल, अमीबॉइड सेल था ना, बताया था, पिनेकोडर्म एंड कोइनोडर्म के बीच में जो नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, स्पिक्यूल्स होंगे, अमीबोसाइट सेल, आर्कियोसाइट सेल, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, अमीबोसाइट सेल होता है। अमीबोसाइट सेल क्या करता है कि जो भी फूड पार्टिकल से डाइजेस्टिव फूड है वो पूरी बॉडी की सेल तक पहुंचाता है इस मीजोहाइल के थ्रू। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ जनरल कैरेक्टर के बारे में बात किया, और हैबिट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसकी अब साइकोन के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, स्पिनेकोडर्म कैसा है और कोइनोडर्म, मीजन कैम, कॉलर सेल जो है उस पर जो फ्लैजिला प्रेजेंट है। अच्छा बच्चों, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे ये साइकोन जो है ये मेराइन वाटर में पाया जाता है, तो इसके चारों तरफ तो पानी है, बहुत ही डीप में पाया जाता है, ठीक है, और एक बेस से अटैच होता है, चारों तरफ इसके पानी ही पानी है, ठीक है। तो वाटर जो इंटर कर रहा है वो क्यों सिर्फ ऑस्टिया से ही कर रहा है, ऑस्कुलम के थ्रू क्यों ना वाटर इंटर कर जा रहा है। वाटर इंटर जो कर रहा है ऑस्टिया के ही थ्रू कर रहा है, ऑस्कुलम के थ्रू क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि पानी तो चारों तरफ है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर, फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके बच्चों, थैंक यू।